लखनऊ और हाथरस दंगे के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों के खुलासे के बाद यूपीएसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई दफ्तर पर छापा मारा है और पूछताछ की है। लखनऊ में गिरफ्तार पीएफआई के दो सदस्यों से पूछताछ और हाथरस में दंगा फैलाने के आरोपी राउफ शरीफ से मिली जानकारी के बाद यूपीएसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में छापा मारा। भारी सुरक्षा में एसटीएफ ने यहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। इस दौरान स्थानीय लोग वहां जमा हो गए, जिन्हें काबू में करने के लिए स्थानीय पुलिस का भी साथ लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि यूपी से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य असद बदरुद्दीन और फिरोज ने पूछताछ में खुलासे किए हैं कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पीएफआई के 140 सदस्य शामिल थे। ये खुलासे असद बदरुद्दीन और फिरोज ने किए हैं। पीएफआई के शाहीन बाग ऑफिस में छापेमारी हुई। असद बदरुद्दीन और फिरोज ने जमात उल मुजाहिदीन से संबंध की बात कबूली है। ये भी खुलासा हुआ है कि इनके देश में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना थी। गिरफ्तार किए गए दोनों पीएफआई सदस्य केरल से हैं, जिनका मकसद देश में धार्मिक उन्माद फैलाना था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि ये लोग लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में पीएफआई सदस्यों की मदद से बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे थे। 20 से 25 लोगों की टीम को हिट स्क्वाड नाम दिया गया था और उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।